नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है कि असली जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आप कभी सीरियल या पिक्चरों में नहीं देखेंगे, और वो इसलिए क्योंकि अगर भी कोई स्क्रिप्ट राइटर उन चीजों को सीरियल या पिक्चर में लिखेंगे तो लोग कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता, ये आपकी बिल्कुल अनरियलिस्टिक स्टोरी है। और शायद कुछ ऐसा ही आज हुआ जब विकास दुबे की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलट गई थी, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पिस्तौल छीनी और पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने उनको मार दिया। अब इस पर कई सवाल उठते हैं कि क्यों मीडिया को पीछे रखा गया, क्यों टोल प्लाजा की जो तस्वीरें थी वो कुछ और दर्शाती हैं, कैसे हुआ कि उनके पास कोई हथकड़ी नहीं थी। और एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कल से पता नहीं कितने सैकड़ों लोग कह रहे थे कि आप देखिए हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, वो भागने की कोशिश करेगी और उनकी मौत एक एनकाउंटर में हो जाएगी। और आज जब वही हुआ तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरे कांड पर अब है, और देखना पड़ेगा कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन क्या साबित करता है। एक चीज कहना बिल्कुल सही है, लोग विकास दुबे के लिए कोई खास ज्यादा आंसू नहीं पाएंगे। ये एक क्रिमिनल थे, गैंगस्टर थे, एक ऐसे गैंगस्टर थे जिन्होंने सिर्फ 5-6 दिन पहले 8 पुलिस कर्मियों की मौत की उन्होंने और उनके साथियों ने, इसलिए विकास दुबे के लिए कोई आंसू नहीं बहाएंगे। पर एक चीज सही है कि एक ड्यू प्रोसेस होता है, कानून होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको शायद फॉलो करना चाहिए। और एक ये भी बहुत अहम बात है कि लोगों के मन में ये वहम जरूर रहेगा कि शायद कुछ राज थे, शायद कुछ ऐसे रहस्य थे जो विकास दुबे जानते थे, जो आप उनके साथ एक तरह से बंद हो गए हैं, छुप गए हैं, और इन राज का खुलासा शायद कभी नहीं होगा। तो वो सवाल ये चिन्ह इस पूरे कांड पर बना रहेगा। हो सकता है कि ये सब गलत है, हो सकता है कि ये बिल्कुल सही एनकाउंटर था और वाकई में एक्सीडेंट हुआ था और वो उन्होंने भागने की कोशिश करी थी और पुलिस की पिस्तौल छीनी थी, उनको उनको मारने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की सुर्खी। आखिरकार विकास दुबे कानपुर वाले का खेल खत्म हो गया। यूपी पुलिस के 8 जवानों की बर्बर हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर की जो कहानी बताई है उसके मुताबिक यूपीएसटीएफ की गाड़ी विकास को लेकर कानपुर आ रही थी। इसी दौरान टोल प्लाजा 25 किलोमीटर दूर बर्रा के पास एसटीएफ की वो गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे सवार था। इसके मुताबिक गाड़ी की रफ्तार तेज थी और बारिश होने से रोड में फिसलन भी थी। इस हादसे में विकास दुबे और 4 सिपाहियों को भी चोट आई है। इसके बावजूद विकास ने मौका पाकर एसटीएफ के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इसी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एसटीएफ ने विकास से हथियार रखकर सरेंडर करने को कहा, वो इसके बावजूद नहीं माना तो पुलिस को मजबूरन एनकाउंटर करना पड़ा। पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। इन्हीं घायलों में से एक की पिस्टल विकास ने छीनी थी। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक घायल विकास को सीने और कमर में गोली लगी थी जिसके बाद उसे घायल अवस्था में कानपुर के हैलेट अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल यह भी कि एनकाउंटर से एन पहले एसटीएफ ने मीडिया की गाड़ियों को जबरन क्यों रोका। दरअसल यूपी एसटीएफ जब से विकास को उज्जैन से लेकर चली तभी से मीडिया कर्मी उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार सुबह जहां एनकाउंटर हुआ उससे 1 किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया। पुलिस कर्मियों का कहना है कि जैसे ही उनकी गाड़ियों को रोका गया तो उसके कुछ मिनट बाद ही गोलियां चलने की आवाज आने लगी। उसके ठीक बाद मीडिया वालों की गाड़ियों को जाने दिया गया। पुलिस का कहना है कि खराब मौसम की वजह से विकास दुबे की गाड़ी पलटी जिसके बाद उसने भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए
जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। यूपी के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सियासी जगत तक सवाल पूछे जा रहे हैं। हैशटैग फेक एनकाउंटर ट्रेंड भी कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब विकास दुबे ने खुद ही सरेंडर कर दिया था तो वो भागने की कोशिश भला क्यों कर रहा था। आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ सवाल जिनका सामना यूपी पुलिस और योगी सरकार को करना है। जब विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई। कानपुर की ही सीमा में एसटीएफ की गाड़ियां खराब या पलट क्यों रही हैं। क्या गाड़ी पलटने के बाद विकास इस हालत में था कि हथियार छीन सके। विकास ने पहले फायर किया या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई। विकास के ही गुर्गे प्रभात वाले घटनाक्रम से सबक क्यों नहीं लिया गया। दोनों तरफ से इस एनकाउंटर के दौरान कितनी राउंड गोलियां चली। जो विकास दुबे उज्जैन में चिल्ला चिल्ला कर अपना परिचय दे रहा था वो भला भागेगा क्यों। 24 घंटे में यूपीएसटीएफ की एक गाड़ी पंचर हुई और दूसरी गाड़ी पलटी, ये कैसा संयोग है। विकास के सीने में गोली लगी है, क्या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं था। उज्जैन से कानपुर की दूरी 670 किलोमीटर है, आखिर कानपुर आकर ही क्यों भागा विकास। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। मथुरा में शहीद सिपाही जितेंद्र सिंह के पिता तीरथ पाल ने योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उनकी आत्मा को शांति मिली है। जो फैसला किया है आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूंगा। वहीं झांसी के शहीद सिपाही सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला वर्मा ने संतुष्टि जाहिर करते हुए एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया। उर्मिला ने पूछा कि अब ये कैसे सामने आएगा कि आखिर कौन लोग थे जो विकास दुबे को समर्थन दे रहे थे। सर उसके एनकाउंटर से तो खुश है पर उसके पीछे जो लोग हैं उनका पता कहाँ लग पाया। पहले पूछताछ होती, कार्रवाई होती तभी तो पता चलता। क्या लगता है सर, कार्रवाई होनी चाहिए पर पता कैसे चलेगा। अब उसका तो हो गया एनकाउंटर, अब विनय तिवारी जी से की जाए पूछताछ। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि अपराधी का तो अंत हो गया लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या होगा। बता दें कि उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि पुलिस प्रशासन फेल हो गई है और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बता दें कि शुक्रवार सुबह विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया जब वो एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। विकास दुबे एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मुताबिक दरअसल ये कार नहीं पलटी है बल्कि राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। इससे पहले जब उज्जैन में विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था तब भी अखिलेश यादव ने सवाल पूछे थे कि क्या विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है या उसने सरेंडर किया है, सरकार साफ करे। बता दें कि शुक्रवार सुबह कानपुर लाते वक्त एसटीएफ की वो गाड़ी पलटी थी जिसमें विकास दुबे सवार था। इसके बाद जब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर में मारा गया। पिछले करीब 8 दिनों से सुर्खियों में रहने वाला 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया। गुरुवार की सुबह आरोपी विकास दुबे को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंप दिया। यूपी रवानगी से पहले उससे अज्ञात स्थान पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ। विकास दुबे गुरुवार सुबह करीब 7:45 पर महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा। विकास ने मंदिर के बाहर खड़े होकर अपना नाम चिल्लाया, फिर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की गिरफ्त में आने पर उसने पहले अपना नाम शुभम बताया। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को यूपीएसटीएफ के हवाले कर दिया। गुरुवार रात को यूपीएसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए निकली। सुबह 6:20 पर एसटीएफ के साथ विकास दुबे कानपुर पहुंचा। सुबह 6:50 पर हाईवे पर विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। सुबह 6:55 पर विकास ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया।
बॉलीवुड स्टार्स ने गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ में मारे जाने की खबर पर प्रतिक्रिया दी है। फिल्मी हस्तियों को पुलिस एनकाउंटर की डिटेल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने लिखा, अब कौन कहेगा कि फिल्म रियलिटी से दूर है, क्या ये खबर फिल्मी नहीं है। दिग्गज डायरेक्टर हंसल मेहता ने कहा कि इन कहानियों को एक नए स्क्रिप्ट की जरूरत है। तो यूपी पुलिस के बयान को एक खराब स्क्रीन प्ले कहते हुए आहाना कुमरा ने ट्वीट किया, यूपी पुलिस को विकास दुबे मुठभेड़ के लिए बेहतर स्क्रिप्ट और डायरेक्टर मिलना चाहिए था। वहीं जाने माने लेखक और गीतकार स्वानंद किरकिरे ने लिखा, कोई लेखक ऐसा सीन लिख दे तो लोग बोल पड़ेंगे बड़ा फिल्मी है। अब अमेरिका और ब्राजील की तरह भी भारत में भी हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। शुक्रवार सुबह आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,506 नए मामले सामने आए और 475 मौतें हुई। ये किसी एक दिन में आने वाले नए मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। देश में अब तक 7,93,802 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 21,604 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,95,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस 2,76,685 है। देश में करीब 20,000 लोग बीते 24 घंटे में कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं। देश में हर रोज बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में अब कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है, जबकि मृत्यु दर केवल 2.72% है। उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अभी हर रोज करीब 2.7 लाख कोरोना टेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं और इतना बड़ा देश होने के बावजूद हम कोरोना के सामुदायिक प्रसार के चरण में अब तक नहीं पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया है, जो 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की इजाजत रहेगी, ट्रेनें चलेंगी लेकिन बस सेवाओं को बंद रखा जाएगा। माल की ढुलाई और हवाई उड़ानें भी इस लॉकडाउन से अप्रभावित रहेंगी। सरकारी और निजी कार्यालय, गैर जरूरी सामान, मॉल, रेस्तरां और दुकानें बंद रहेंगी, पर आने वाली ट्रेनों को इजाजत होगी और यात्रियों के घर जाने के लिए खास बसों का इंतजाम होगा। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार जा चुका है और अब तक 845 लोगों की जान जा चुकी है।